हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ प्रशांत और स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में। शाहरुख खान बॉलीवुड का किंग खान, जिसके साथ हर कोई काम करना चाहता है। हर एक एक्ट्रेस की ख्वाहिश होती है कि वो शाहरुख खान के साथ बड़े पर्दे पर रोमांस करे। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है दंगल फेम एक्ट्रेस फातिमा सना शेख। फातिमा सना शेख जो हैं वो इन दोनों अपनी फिल्म लूडो और सूरज पर मंगल भारी को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। जल्दी ये फिल्में रिलीज होने वाली हैं, तो इनके साथ साथ अब वो शाहरुख खान के साथ काम करने को लेकर चर्चा में आ गई हैं। अब चर्चा में क्यों आई हैं, चलिए ये भी आपको बता ही देते हैं। ऐसी खबरें काफ़ी टाइम से आ रही हैं कि शाहरुख खान जो हैं वो राजकुमार हिरानी के साथ एक मूवी करने वाले हैं। लगातार काफ़ी टाइम से ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि शाहरुख खान ने ये मूवी साइन कर ली है, लेकिन किस चीज़ पर ये मूवी बेस्ड होगी फिलहाल इस चीज़ का खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन ये ज़रूर बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ी फिल्म है जिसको लेकर के राजकुमार हिरानी काम कर रहे हैं और इस मूवी में शाहरुख खान को कास्ट करने की बात चल रही है। अब जैसे ही ये बात फातिमा सना शेख को पता चली, उन्होंने भी इस मूवी में काम करने की गुजारिश जो है वो राजकुमार हिरानी से कर दी। दरअसल फातिमा सना शेख ने खुलासा किया, उन्होंने बताया है कि उन्होंने राजकुमार हिरानी को बकायदा टेक्स्ट किया था उनसे कि आप एक इस तरह की मूवी बना रहे हैं शाहरुख खान को लेकर के, और मैं जो हूँ वो शाहरुख खान को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो अगर कुछ हो सके या फिर उपलब्ध है जगह मेरे लिए तो मुझे इस मूवी में साइन करने के लिए साइन कर लीजिए। इस तरीके की खबरें आई हैं। क्या कुछ कहा है फातिमा सना शेख ने, चलिए आपको सुनाते हैं। मैं शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन हूं, मुझे नहीं मालूम कि उनमें क्या जादू है, लेकिन मैं उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करती हूं। मैंने कहीं पढ़ा है कि वे राजू हिरानी के साथ फिल्म कर रहे हैं, मुझे लगा कि वाह यार, ये तो दोनों मेरे फेवरेट हैं। इसके अलावा फातिमा ने आगे कहा, मैंने राजू सर को मैसेज किया कि अगर आप कास्टिंग कर रहे हैं तो मैं उपलब्ध हूं, मेरी उम्मीद है कि वह विचार करेंगे। तो आपने देखा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने राजकुमार हिरानी को टेक्स्ट किया है और कहा है कि अगर इस मूवी के लिए कोई भी उनके लिए जगह हो तो वो उपलब्ध हैं और वो शाहरुख खान के साथ काम करना चाहती हैं। तो अब शाहरुख खान के साथ तो फातिमा की जोड़ी कितनी ज़्यादा अच्छी लगेगी, या फिर वाकई में ही राजकुमार हिरानी जो हैं वो फातिमा की बात मानेंगे या नहीं, ये तो खैर देखने वाली बात होगी और ये आगे पता भी चल जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको ये भी बता दें कि कुछ दिनों पहले इस तरह की भी रिपोर्ट्स आई थी कि जो राकेश शर्मा जो थे उनके एस्ट्रोनॉट, उनके ऊपर जो मूवी बनने वाली थी उसमें भी शाहरुख के अपोजिट फातिमा को ही कास्ट किया जाना था, लेकिन ये मूवी अब शेल्व हो गई है क्योंकि शाहरुख खान ने इस मूवी में काम करने से मना कर दिया है फिलहाल। तो इसके अलावा भी इस तरह की काफ़ी खबरें आ रही थी, जैसे आलिया भट्ट को लेकर के भी खबरें आई थी कि जो मूवी बन रही है ट्रिपल आर, उसमें काम करने के लिए आलिया भट्ट को लेकर ऐसी खबरें आई थी कि उन्होंने एयरपोर्ट पर राजामौली जो हैं वो मिले थे आलिया भट्ट से एयरपोर्ट पर, तो उस दौरान आलिया भट्ट ने ट्रिपल आर में काम करने की इच्छा जाहिर करी थी, तो तभी उनको ये मूवी ऑफर हुई थी। तो आजकल काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेंड बन गया है कि अचानक से ही इस तरीके की मूवी मिले जा रही हैं लोगों को। सारा अली खान को लेकर के भी ऐसा ही किस्सा है कि वो रोहित शेट्टी के सीधे ऑफिस पहुंच गई थी कि मुझे सिम्बा में काम करना है, तो फिर रोहित ने उन्हें कास्ट कर लिया था। अब राजकुमार हिरानी फातिमा की बात मान के उन्हें शाहरुख के अपोजिट कास्ट करेंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।